अभी नीचे नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी नीचे जाने के लिए थोड़ा भयंकर वाला है, लेकिन भी धीरे धीरे देखो इतना छोटा बच्चा काम कर रहा है, छोटा वाला पत्थर के ऊपर में बैलेंस ये करके बैठा हुआ है और ये हिलता भी नहीं है। देखो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आपको कैसे हो, आई होप आपको ठीक ही होगा। तो आज का ब्लॉगिंग यहाँ से बहुत खूबसूरत जगहों से स्टार्ट कर रहे हैं आपका दीदी। और ये है हमारे क्या है नॉन्ग, ये है वर्ल्ड का फिनेस्ट विलेज इन एशिया का ना, आप है जान एशिया का देखिए यहाँ। तो यहाँ जा रहे हैं, मेरा सिस्टर वहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा बहुत खूबसूरत है एकदम क्लीनेस। यहाँ पे कुछ भी आपको गंदा पंदा चीज़ प्लास्टिक ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा साफ सफाई। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग दिन का लंच किया है बहुत ही, अभी खेत ऐसे फूल है ना, धीरे धीरे आपको दिखाएगा घुमाएगा क्लीनेस एशिया का विलेज ना। तो यहाँ देखो भाई साहब बंची भी मार रहे हैं। तो अभी यहाँ में धीरे धीरे जाएगा क्या, ये इतना फ्रेश है, मतलब इतना मजा है ना जगह, जो क्या ही बोलेगा, बहुत ही मजा है सच में। तो इससे जाएगा तो क्या है, तो स्काई व्यू पॉइंट में मिलेगा बोलते हैं व्यू पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग आइसक्रीम खाएगा, मेरा सिस्टर उसका सारा वाला फोन से जैसे तैसे बना रहे हैं तो आइसक्रीम होगा भाई, आइसक्रीम दो दे दो आइसक्रीम, लेमन लेमन देखिएगा खोलो ना, ऑरेंज। हाउ मच दिस वन, 10 20 ठीक है, कितना होगा? ओपन यस। तो आइसक्रीम खाते हुए जाएगा यहाँ से, बहुत गर्मी भी बहुत तेज से गर्मी है। तो थैंक यू। तो अभी यहाँ से लोग आइसक्रीम खाते हुए आपका दीदी ब्लॉगिंग बना रहे। तो ये है यहाँ में स्काई व्यू पॉइंट ना, तो यहाँ से आप लोग को दिखाएगा स्काई व्यू पॉइंट कैसे है। हम भी मालूम ही है, हम भी फर्स्ट टाइम है आपका दीदी। तो यहाँ से होते हुए जो ये जो देख रहे हैं ना सीधी, वहाँ से होते हुए ऊपर उठना पड़ेगा शायद। यहाँ से बहुत लोग हैं बैठा हुआ है, ये देखो घर कच्चा हाउस बिल्कुल हमारा जैसे। हमें टिकट लेते हैं ना, टिकट लेके अभी उठ जाएगा पर पर्सन 10 रुपीज 30 रुपीज। तो ये मेरा सिस्टर यहाँ पे बैठ रहे वो डर के, तो आपका दीदी यहाँ से क्यों नहीं सकेगा, हम भी तो बाहर इलाके से है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। वहाँ में है ना, तो आपका दीदी धीरे धीरे होते हुए आप लोग को दिखाने के लिए जितना हो सके दिखाने के लिए कोशिश करेगा। तो सच में यहाँ बहुत ही खूबसूरत है, ओ माय गॉड पूरा हिल रेस सेकिंग हो रहा है, वाव। धीरे धीरे होते हुए उतर रहे सच में, बहुत मजा है सच में, इंटरेस्टिंग हो गई है सोलोंगी, इतना इंटरेस्टिंग जगह है तो हर एक चीज तो इंटरेस्टिंग तो हो गई है। तो लाखों लोग देखने यहाँ आता है शिलोंग, यहाँ में आपको हर चीज देखने को मिलेगा, बहुत ही वाव। बहुत थक गया, तो ये है खूबसूरत जगह, यहाँ से आप व्यू पॉइंट व्यू ले सकते हैं चारों तरफ, वाव पूरा इतना सुंदर, पूरा नेचर माउंटेन
इतना खूबसूरत, सच में बहुत थक गया। सिर्फ वहां से इतना ऊपर चढ़ा है ना, सिर्फ वही है एक थक गया, लेकिन वो भी तो मजा ही है। तो देखो इतना सुंदर क्या पेड़ होता होगा, इस साइड आपको घर देखने को मिलेगा, यहाँ का पूरा घर। हाँ मजा है। और यहाँ ज्यादातर सुपारी का आपको मिलेगा पेड़, यहाँ बहुत ज्यादा है, चारों तरफ पूरा सुपारी। तो होगा दोस्तों, ये व्यू को भी आप लोग को दिखा लिया। अभी धीरे धीरे यहाँ से होके आपका दीदी नीचे तक, नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी नीचे जाने के लिए थोड़ा भयंकर वाला है, लेकिन भी धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो डरपोक इंसान भी आ गया, पीछे पीछे नहीं आएगा, हम तो नहीं आएगा, बहुत भयंकर है बोलने वाला। देखो ये क्या करने आया, अभी ये भी फोटो खिंचवाने के लिए आ गया। देखो तो धीरे धीरे चलो, उस साइड भी जाना है ना, तो नीचे भी नम जा, यहाँ से दिखेगा, इतना स्केरी है ना। यहाँ से देखिए, वहां से ऐसे उठ के पूरा ऐसे ऐसे करके राउंड से वहां में था, वहां से आपको आपका दीदी व्यू को दिखा रहा था। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे आपका दीदी निकलेगा, तो बहुत जगह है घूमने के लिए। तो अभी धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे आप लोग को दिखो। यहाँ अंदर में आपको मार्केट भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट, लोकल पूरा बनाने वाला, बैग हेड है और क्या काम पाए। तो क्योंकि ये देखो ऊपर दीदी, तो यहाँ पे है ऑर्नामेंट्स, और ये है आपको, ये तो मालूम ही है ना, क्या बोलते पता नहीं, गाड़ी में हैंग करने दरवाजा में। गया। और यहाँ भी ऐसे ही सेम जो आप लोग को दिखाया, यहाँ से ऐसे करके वहां पे व्यू आराम से ले सकते हैं। लाजोंग होम स्टे, और यहाँ में होम स्टे भी है यहाँ पे, यहाँ पे होम स्टे भी है। अभी धीरे जितना भी टूरिस्ट है, वो लोग भी पूरा घूम रहे हैं, हम लोग भी पूरा एक जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा। यहाँ में शिलोंग में पूरा चल चल के पूरा एक्सरसाइज भी हो जाता है, हर चीज में आपको चलना पड़ता है। यहाँ कुछ कुछ जगह पे आपको चल चल के जाना है, एक्सरसाइज भी हो जाएगा बदन के लिए भी। तो अभी ऐसे ही जा रहे हैं। ये क्या है, चर्च होता होगा। हाँ चर्च, चर्च हाँ। तो यहाँ देखो, हर कदम कदम में आपको ये वाला डस्टबिन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे लोग जो टूरिस्ट डस्टबिन प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकने देने के लिए, इसलिए चारों तरफ में हर जगह में आपको ऐसे ही बना के रख देते हैं टूरिस्ट के लिए। देखो यहाँ भी पूरा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे मेंटेन करना है। वाह सच में एक मतलब अलग से एक पहचान है, अलग ही क्या ही बोलेगा। वाह ये बस्ती इतना सुंदर, इतना सफा ना, इतना सफा, इतना क्लीन, इसलिए तो ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज में आते हैं। वाह इसको लोग का सब आके देखने के लिए आते हैं ये क्लीनेस विलेज को। होमस्टे पूरा चारों तरफ हवा, फ्रेश हवा, क्या ही बोलेगा, एकदम मस्त।
से कम होम स्टे। गरम बहुत गर्मी। गरम भी खतरनाक गरम है तोरा बेटी का। आपका हत्तिक रोड पे बैठा हुआ है, पाव बहुत दर्द हो गया सच में, थोड़ा बैठ लेगा। चलो तुम भी बैठ जाओ, ऐसे खूबसूरत जगहों पे कभी आपको बैठने मिला। देखो आपका दीदी इतना इधर उधर होके, इतना घूम फिर के आज यकीन विलेज में घूमने आया, शिलोंग पे। बहुत ही बढ़िया सच में, इतना घूमने के लिए जगह है ना, इतना घूमने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्ट जो जगह है, दिल चाहता है कि यहाँ मैं बस जाऊँ। क्या करें, अपना घर तो लौट के तो जाना पड़ेगा। वाह, तो यहाँ पे हम और मेरा सिस्टर क्लिनेस विलेज से हम दोनों निकल रहे हैं। यहाँ ना, हाँ, यहाँ हर एक चीज को प्रिजर्व करके रखा है, मतलब हर एक चीज जो नेचर का साथ में, जैसे कि प्लांट हो गया, हर चीज को हम लोग का यहाँ में वहां में होने से तो कुछ कुछ प्लांट को उखाड़ के फेंक देना था, लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही खूबसूरत से सजाया, इसलिए बोलता है बहुत ही सुंदर है। वो इतना प्यारा प्यारा हैंडमेड होता होगा सब। अभी यहाँ से सीधा चलेगा जाएगा, यहाँ से अभी निकल जाएगा हमारा ये गाड़ी से, इसे कुछ चलो अभी बहुत जगह घूमने है ना, अभी चलो गर्मी। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे एक देखने के लिए जगह है, मतलब यहाँ पे एक छोटा वाला पत्थर का ऊपर बड़ा वाला पत्थर है बोले ना, तो यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं टूरिस्ट लोग, तो हम भी क्यों ना आप लोग को दिखाएगा सोच के नाम किया यहाँ। तो यहाँ से टिकट ले लिया, हर जगह में आपको टिकट एंट्री होते समय में हर जगह में आपको टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ मेरे पास पर्सन 10 रुपीज़, लेकिन अब यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ देख लेगा कैसे चलेगा ना, आएगी तो एक एक चीज तो देख के जाना पड़ेगा। तो ये है, इसको हम देखने के लिए 10 रुपीज़ करता है, ये जो बड़ा पत्थर है ना, इसका अंदर देखते हैं। वाह देखो कैसे बैलेंस मिला के बैठा हुआ है ना, वाह, हिलाने से भी नहीं हिलेगा होगा ये पत्थर को, इसलिए लोग जो मतलब इसलिए लोग यहाँ पे ये पत्थर को देखने के लिए आते हैं लोग। वाह, ये अलग ही, मतलब क्या बोलेगा, अलग ही ये अपना में बहुत ही ये खूबसूरत है। वाह, ये कैसे पॉसिबल हुआ है ना, ये पत्थर के ऊपर में एक छोटा वाला पत्थर के ऊपर में पत्थर है, पता नहीं ये कुदरत भी क्या क्या गेम खेलते हैं ना, क्या ही मजा है सच में। हाँ बोलो, बोलूं उतना कम। वाह, तो आपका दीदी सोच में पड़ गया कैसे पॉसिबल होगा ना, तो होगा, इसको भी आप लोग को दिखा लेगा दोस्तों। तो अभी हम लोग धीरे धीरे फिर बहुत घूमना है, वहाँ भी जाना है, फिर ज़्यादा ब्लॉग भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना, तो इसलिए धीरे धीरे होके जाएगा। तो दोस्तों अभी रूट ब्रिज होके जाएगा, अभी हम और मेरा सिस्टर यहाँ से बोला, यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। लस्सी दे दो ना, लस्सी कितना 30 तो होगा, लस्सी 2 लेगा ना, 70 रुपये तमुल 10 60 70, ये देखो तमुल शिलोंग में आके पूरा अभी तमुल खा रहा है आपका दीदी। बहुत अच्छा से मजा से खा रहा है तमुल, बहुत ही बढ़िया है, ठंडा जगह है ना, इसलिए ठंडा वाला है दीदी, ठंडा ठंडा नहीं ना, हो जाएगा। चलो कुछ नहीं, इसको मैडम जी इसको कहाँ पे रखेगा, पॉकेट में बुको। तो ये किसका है, पूरा जगह ही नहीं है। तो अभी धीरे धीरे होते हुए यहाँ से जाएगा, ये देखिए यहाँ से जाना पड़ेगा।
इस साइड हो गया लिविंग रोड ब्रिज का, इस साइड होके जाना पड़ेगा। लस्सी पीते हुए आपका दीदी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कितना मतलब साफ सफाई को ध्यान करते हैं यहाँ पे, यहाँ का लोग इतना छोटा बच्चा। नमो 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 देखो इतना छोटा बच्चा काम कर रहा है, पूरा साफ सफाई कर रहा है। देखो कुछ इस बच्चे से सीख, जितना भी मेरा ब्लॉग देख रहा है प्लीज इस बच्चे से सीख, कितना साफ सफाई ध्यान कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे होते हुए यहाँ भी बहुत मतलब हर चीज मिल जाएगा आपको, यहाँ का हैंडमेड बैग या जो भी हो अवेलेबल है, हर जगह कदम कदम पे अवेलेबल है यहाँ पे। और कितना मतलब अंदर होता होगा पता नहीं, तो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा रेस कर रहा है। आपको मालूम ही है ना आपका दीदी कितना बहस जैसे बोलती है, तो इसके कारण से थोड़ा चल चल के ऐसे आप मतलब यहाँ से हम वहाँ से डाउन था, यहाँ से उठने समय में आप होके उठना पड़ेगा, कितना तकलीफ हो गया। ओ माय गॉड, धीरे 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 जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस ऐसे वाला मतलब बना लिया बैठने देने के लिए आदमी को, मतलब बेस करने देने के लिए साइड, तो इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है आपका दीदी। तो यहाँ पे धीरे धीरे होके, यहाँ से धीरे धीरे होके आपका दीदी नीचे जाएगा। चलो अभी नीचे की ओर जाएगा, आई थिंक यहाँ सामने में है आसपास में कभी कहीं में पूरा पानी का आवाज सुनने को मिल रहा है, तब तो उसका मतलब कि बहुत नजदीक है। तो यहाँ भी टिकट देखो एंट्री फीस 40 रुपीस। तो यहाँ भी हर जगह पे मतलब पूरा जहाँ पे पूरा 20 रुपीस ले रहे हैं, पता नहीं 10, 20, 10, 20, 40 ऐसे ले रहा है पर पर्सन को। तो यहाँ भी लिया है थोड़ा पहले। तो ये है रूट ब्रिज, यहाँ बहुत पैदल जाने का बाद में आपका दीदी रूट ब्रिज तक ऑलमोस्ट पहुँच गया, मतलब ऑलमोस्ट क्या पहुँच ही गया। तो ये है हमारा रूट ब्रिज। वाओ वाओ इतना मजा, खूबसूरत एकदम, पानी भी देखो वाटर भी इतना क्लीन, क्या ही बोलेगा। वाओ इतना टूरिस्ट लुक आया हुआ है यहाँ। तो ये है इसको इतना मतलब इतना पैदल आके देखने आया ये रूट ब्रिज को। ये पूरा जितना है आपका मतलब क्या बोलते हैं नेल्स ऐसे कुछ यूज नहीं किया नेल्स, ये पूरा जितना देख रहा है ये पूरा रूट, ये है ना रूट से पूरा बनाया है। देखो ये जो हम लोग चल रहे हैं ना ये भी पूरा रूट है। यहाँ पे कैमरा ले रहे हैं, इतना खूबसूरत है ना। वाव देखिए इतना सुंदर, पूरा ये पूरा पेड़ पेड़ डिफेंस पेड़ का ऊपर पूरा इतना खूबसूरत है सच में। यहाँ से थोड़ा दिखेगा पानी भी इतना फ्रेश, शायद फिश भी बोट होता होगा, मछली भी बोट होता होगा। वाव इतना दिन हो गया मतलब कभी ऐसे फोटो पे वीडियो पे देखने को मिलता है, तो आज आपका दीदी यहाँ पे इतना लकी मतलब लकी भी है यहाँ आया है आके, साथों साथ में घूमने भी मिला है। ये पूरा रूट ब्रिज देख रहे ना, ये वाला पूरा रूट से बनाया, कोई नेल यूज नहीं किया, कोई तार कुछ भी यूज नहीं किया, पूरा ये आपका रूट से बनाया गया है रूट ब्रिज। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, मेन मेड वाला है। तो वाओ मतलब इसका जो दिमाग लगाया उसका भी क्या ही दिमाग होता होगा ना, बहुत ही मतलब इतना मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकेगा कि इसको हम भी ऐसे से बनाएगा, बोलते पता नहीं कैसे बनाया होगा, बहुत ही खूबसूरत से बनाया। और ये नदी भी इतना फ्रेश है, रिवर वाओ।
इतना लाइफ जिंदगी इतना मजा है, ऐसे ओल्ड एज में भी इतना मस्त से घूम रहे हैं, बहुत ही मजा है। तो यहाँ है कि आपका भैया जो भैया का कंप्लेन कर रहे हैं, आपका भैया जो नहीं ले जाता है, भैया को गाली दो है कमेंट में, क्यों नहीं ले जाता है, दीदी को ले जाना है ना, ओके कमेंट करो ठीक है। वाह इतना मरोम, इतना अरे मरोम लग रहा है देख के, क्या लाइफ है, ऐसी हंसी खुशी लाइफ निकल जाना है। तो हम भी ठंडा ठंडा पानी को, ठंडा बता ठंडा पानी को छू के जाना पड़ेगा उस साइड। अभी यहाँ से धीरे धीरे होके आपका दीदी उस साइड जाएगा, पता नहीं एक बार स्लिप हो गया तो बस पूरा पानी में समा जाएगा आपका दीदी। वाह इतना पानी भी इतना ठंडा है ना, ठंडा वाला। वाह इतना ठंडा फ्रेश पानी देखो, पूरा चुने को मिल रहा है। वाह इतना सुकून, इतना सुकून क्या ही बोलेगा। वाह सच में बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत सपना जगह में पहुंच गया आपका दीदी ना, बहुत ही मजा है, मतलब मेरा नजर ही नहीं छूट रहा है ये नदी पानी से देख के। और ये देखो यहाँ से इस तरह से दिखाई दे रहा है रूट ब्रिज। वाह इसको लोग कहाँ कहाँ से अलग अलग जगहों से लोग पूरा देखने आता है ये जगह को, ये रूट ब्रिज को। वाह अभी यहाँ से धीरे धीरे होके आपका दीदी यहाँ से निकल जाएगा, पहले आराम से बैठ के यहाँ पे चिल आउट कर लेगा दीदी और बहन, उसके बाद में धीरे धीरे निकलेगा। वाह इतना ठंड, वाह सच में पूरा सपना जगह में पहुंच गया दीदी, इतना मतलब इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है, मतलब इतना हम कहीं फेसबुक में, फेसबुक खोलते समय में दिखाई देता है, मतलब जो भी जहाँ भी ये रूद ब्रिज को शिलोंग का, तो आज यहाँ आने को नसीब मिला है, बहुत ही मतलब क्या ही बोलेगा, बहुत ही मजा है सच में। और ये ठंडा पानी ना वाह सच में गाइस, पानी इतना ठंड है इतना फ्रेश, जितना दूर से हम लोग पैदल आया यहाँ देखने के रूद ब्रिज को, यहाँ आके पूरा मन और तन को एकदम सुकून मिल गया सच में गाइस। ये एक एक क्या बोलेगा, ये एक मिराकल है, आपको वहां से आएगा ये जगह को आप देखेगा तो कुछ भी आपका दुख तकलीफ जितना है पूरा उड़ जाएगा एक बार में। वाह सच में लाजवाब, इट्स अमेजिंग। तो देखिए आपका दीदी अभी धीरे धीरे होके निकल रहे हैं, बहुत ही गर्म पसीना, और ये देखो पूरा सीढ़ी से होके सीढ़ी भी इतना, मतलब वहां से आते समय मैं एटलीस्ट थोड़ा तीखी था डाउन का, यहाँ से चल चल के हम दोनों का हलवा टाइट हो रहा है, बहुत ही तकलीफ। अभी धीरे धीरे जाके लॉज का मतलब जहाँ पे ड्राइवर है वहां तक जाना पड़ेगा टैक्सी तक, तो उसका बाद में वहां से सीधा घर।